2 जनवरी को गुलबर्गा कॉरपोरेशन जीबी मीटिंग के दौरान वार्ड नंबर 27 के कॉरपोरेटर साजिद कल्याणी और वार्ड नंबर 19 की कॉरपोरेटर परवीन बेगम की जानेब से शहर के हर वार्ड में एरो प्लांट लगवाने का मुतालिबा किया गया है। साजिद कल्याणी और परवीन बेगम ने कहा, शहर के हर इलाकों में नलों के जरिए गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जिसको पीना तो दूर, कपड़े और बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में अमीर लोग तो पैसे देकर साफ पानी खरीद कर पी रहे हैं और गरीब लोगों की यही गंदा पानी पीने की वजह से तबीयत खराब हो रही है। साजिद कल्याणी और परवीन बेगम ने गुलबर्गा मेयर और कॉरपोरेशन कमिश्नर से मुतालिबा कर कहा, हर वार्ड में 2 एरो प्लांट लगवाने की ज़रूरत है। एरो प्लांट लगवाने से गरीब शख्स भी साफ पानी पी सकता है। इस मुतालिबे पर साजिद कल्याणी और परवीन बेगम ने क्या कहा, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj GB meeting tha hamara. Pichle 28 ko bhi GB meeting tha. Bahut sare agendas the. और उसमें एक हमारा एक एजेंडा था जो कि परवीन बेगम वाइफ ऑफ गौस पे मतीमोड़ कॉरपोरेटर, हम दोनों ने एक एजेंडा दिया था एरोप्लान को लेके। गुलबर्गा शहर में जो एलएनटी की नाकामयाबी काम जो किया गया है, गुलबर्गा शहर को पानी अच्छा साफ पानी नहीं मिल रहा है, हम इसको देखते हुए गौस भाई और हमने एक एजेंडा रखा था जो कि आज एजेंडे पर बात हुआ है। कमिश्नर साहब मेयर साहब भी थे, उसके ताल्लुक से इंशाल्लाह प्रोसीडिंग होगा। और एरोप्लांट बिठाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे का जो मामला है जो मेंटेनेंस का, उसको लेके उस पर चर्चाएँ हो रही है, या कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को देना या एनजीओज़ को देना या कॉरपोरेशन इसके ऊपर टेक ओवर करेंगे, उसके ऊपर चर्चाएँ हो रही है। इंशाल्लाह गुलबर्गे में बहुत जल्द साफ पानी पिलाया जाएगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी कमेटी में हमारे गौस भाई इरफाना परवीन जो कि मेरे साथ रहे हैं ये एजेंडे के लिए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं मेयर साहब और कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुलबर्गे में एरो प्लांट जो हमने बोला है हर वार्ड में 2-2 के लिए, कम से कम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करिए, पानी साफ पिलाएंगे गुलबर्गा शहर के लिए। और हमारे गुलबर्गा सिटी में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि रोज़ के 200-300 रुपए कमाने वाले हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते 40 रुपए दे के कैन लेने के लिए। हम चाहते हैं कि 2-5 रुपए में कैन हो जो हर आम आदमी भी पानी पी सके, उसके लिए हम मुतावला किए हैं। हम कॉरपोरेशन कमिश्नर से और मेयर साहब से इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रोसेस होगा और बहुत जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हो आज गुलबर्गे में एलएनटी के थ्रू जो गंदा पानी जो यूजीडी से अटैच हुआ, नालियों से अटैच हुआ, गली गलियों में जो लीकेज है पाइपलाइन, इसी तरह आल गुलबर्गे में जो गंदा पानी आ रहा है, इसको देखते हुए हमने हमारे अकाउंट चेयरमैन साजिद कल्याणी साहब, माय वाइफ परवीन बेगम वार्ड नंबर 19, हम दोनों मिलकर एक जीबी में मुद्दा उठाने की बात की। और इसी के साथ साथ हमने आज जो जीबी थी इसके अंदर हम ये एजेंडा रखे हैं, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है इंसान को एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज गुलबर्गे में चलते हुए बहुत सारे हेल्थ को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसी तरह जो पानी, साफ पानी, जो वाटर सप्लाई है, जो बिस्लरी पानी है, जिसके पास पैसा है वो ख़रीद कर ले सकते हैं, लेकिन मेरे वार्ड में तकरीबन सलम एरिया डिक्लेयर हो चुका है, डिक्लेयर होकर तकरीबन 18 साल हो गया, आज तक उसको कोई इम्प्रूव नहीं किए। लेकिन हम गुलबर्गे में तमाम वाटर सप्लाई को देखते हुए, इन एलएनटी की देखते हुए, जो गंदे पानी को देखते हुए ये एजेंडा रखा था, लिहाजा मैं गवर्नमेंट से ये दिली ख्वाहिश रखता हूँ कि गुलबर्गे में अमीर लोग तो साफ़ पानी ख़रीद कर पीते हैं, लेकिन गरीब लोग के लिए भी ये जो आर ओ प्लांट की हम मांग रखी है, इसको आप लोग जल्द से जल्द इसको इम्प्रूव कर विथ मेंटेनेंस के साथ इसको इम्प्रूव कर
जो हर वार्ड में दो दो आर ओ प्लांट बिठाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आर ओ प्लांट के लिए जो एजेंडा रखा है जीबी मीटिंग में, इसके लिए गुलबर्गे में तमाम LNT गंदा पानी जो दे रही है उसको गरीब यूज करके बीमार हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि दो दो आर ओ प्लांट हर वार्ड में दिए जाएं, क्योंकि मेरा वार्ड एक सलम एरिया है, पैसे देके खरीद नहीं सकता, इसलिए गवर्नमेंट से मुताबला करती हूँ कि आर ओ प्लांट दिया जाए। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details.